जिले के वालीदाद में पटना से आई विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को सहायक गोदाम प्रबंधक मोहम्मद सलाउद्दीन को चावल खरीदने के एवज में 25,000 रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पटना से आई विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वालीदाद खाद आपूर्ति गोदाम के समीप से उसे रंगे हाथ रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सरौती पैक्स अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार के द्वारा विजिलेंस की टीम को शिकायत की गई थी कि उसके चावल CMR खरीद के मामले में लगातार सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा आनाकानी की जा रही थी। उनके द्वारा रिश्वत की मांग CMR चावल की खरीद के एवज में किया गया था, जिसकी शिकायत पटना विजिलेंस की टीम के द्वारा की गई थी। टीम ने इसकी त्वरित जाँच की और आरोप को सत्य पाया। मंगलवार के दिन वालीदाद खाद आपूर्ति विभाग के गोदाम के समीप से उन्हें रिश्वत के रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस के टीम ने किया गिरफ्तार मोहम्मद सलाउद्दीन को अपने साथ पटना ले गई है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए विजिलेंस के DSP सत्यनारायण दास ने बताया कि कई पैक सर मामला क्या है। अरवल जिला अंतर्गत सरौती ग्राम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार वालीदाद कैंप पर चावल दिए थे, जिसका एंट्री करना था सहायक प्रबंधक हैं CI के सलाउद्दीन मोहम्मद सलाउद्दीन, इसके लिए इनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। पहले इसमें 56,000 रुपये ले लिया गया है टैक्स एजेंट से और आज 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कितने पैसे का मांग किया गया था? 1,25,000 पहले से। क्या सर नाम है? सत्यनारायण दास, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी। टैक्स अध्यक्षों से लगातार CMR जमा करने के नाम पर रिश्वत मांगा करता था। इसके बाद कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों में भी पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। इसके पूर्व में भी शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और परासी थाने से रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस टीम ने कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लगातार जिले में हो रही रिश्वतखोरी से तंग आकर लोगों ने इसका सहारा लिया है, जिसका परिणाम रिश्वतखोरों को शिकंजे तक पहुंचने में विजिलेंस की टीम ने अब तक कामयाब हुई है। बताया जाता है कि कई पैक्स अध्यक्षों से भी CMR जमा करने को लेकर पैसे की मांग की गई थी। इसके एवज में पैसा नहीं देने के उपरांत उन्हें चावल खरीद नहीं किया जाता था। हालांकि पैसे के बदौलत वालीदाद खाद आपूर्ति विभाग के गोदाम में खराब चावल की भी खरीदारी सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा किया जा चुका है, जो जांच का विषय है। फिलहाल गिरफ्तार मोहम्मद सलाउद्दीन को पूछताछ करने के उपरांत पटना लेकर साथ चली गई है।